मोहम्मद शमी का लेटेस्ट हेल्थ अपडेट आ गया है। वैसे तो बीसीसीआई ने इस पर पहले ही जानकारी दी थी कि मोहम्मद शमी कुछ दिन तक मैदान पर नहीं दिखेंगे, आईपीएल के पूरे सीजन में भी वो गायब रहेंगे, लेकिन अब खुद मोहम्मद शमी ने अपना हेल्थ अपडेट खुद दिया है। क्या है उस हेल्थ अपडेट में, आपको ये भी बता देते हैं। मोहम्मद शमी की बात की जाए तो पूरे वर्ल्ड कप में उन्होंने इंजेक्शन लेकर अपने घुटने के दर्द को छिपाकर मुकाबले खेले और इंडियन टीम को फाइनल तक पहुंचाया। इसके बाद अपडेट आई कि मोहम्मद शमी का एक सर्जरी जो है वो किया जाएगा। लंदन में वो सर्जरी हुई और मोहम्मद शमी ने अब खुद अपना हेल्थ अपडेट दिया है। मोहम्मद शमी ने सोशल मीडिया पोस्ट कर ये जानकारी दी है कि उनके पैर में जो एड़ी में ऑपरेशन हुआ है उसके टांके खुल गए हैं। 15 दिन पहले मोहम्मद शमी का ये ऑपरेशन हुआ था और ये तस्वीरें मोहम्मद शमी ने खुद साझा की है, जिसमें आप देख सकते हैं कि किस तरीके से उनके पैर में पट्टी बंधी है। हालांकि चूंकि ये चोट पैर में है और पूरा का पूरा बॉडी बैलेंस जो है, बॉडी का जो वेट है वो पैरों तक आता है और इसी वजह से उनको रिकवरी में अच्छा खासा समय जो है वो लगेगा। इसी वजह से मोहम्मद शमी आईपीएल 2024 से पूरी तरीके से बाहर हैं। इसके बाद जो T20 वर्ल्ड कप, जिसमें भारतीय टीम अमेरिका और वेस्ट इंडीज जाएगी, उसमें भी मोहम्मद शमी नज़र नहीं आएंगे। लेकिन उसके बाद भारतीय टीम को बांग्लादेश के खिलाफ एक टेस्ट सीरीज खेलनी है और माना यह जा रहा है कि तब तक मोहम्मद शमी पूरी तरीके से फिट हो जाएंगे और मैदान पर आएंगे। लेकिन अगर बात की जाए तो फिलहाल सिर्फ 15 दिन हुए हैं और मोहम्मद शमी के जो ऑपरेशन के बाद पैर में जो टांके लगे थे वो टांके फिलहाल खुले हैं और इसके बाद अब मोहम्मद शमी जब उनका शरीर पूरी तरीके से उनका वेट लेने के लिए ताकत हो जाएगी उनके शरीर में, उस वक्त से उनका रिहैब शुरू होगा। माना यह जा रहा है कि मोहम्मद शमी के रिहैब में कम से कम 2 से 2.5 महीने का वक्त लगेगा और उसके बाद ही शमी मैदान पर वापसी करेंगे।